पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने की दौड़ के बीच रूस सबसे आगे निकल गया है। रूस ने दरअसल ये दावा किया है कि उसने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका भी लगाया गया। इसी बाबत व्लादिमीर पुतिन ने भी बताया कि उनकी बेटी को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद उसे ये नई वैक्सीन दी गई। कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ा लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये दुनिया की पहली सफल वैक्सीन है और रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी है। पुतिन बोले, इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई। दरअसल रूस की समाचार एजेंसी AFP ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी और ये कहा कि इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया। बहरहाल पुतिन ने वैक्सीन पर काम करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि ये वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी है और अब बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजी जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।